तर 2024 विधानसभा निवडणुकीत धनंजय मुंडे विरुद्ध करुणा शर्मा असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. धनंजय मुंडे यांच्यावरत्या आरोपांनंतर चर्चेत आलेल्या करुणा शर्मा आता 2024 विधानसभा निवडणूक लढवणार आहेत आणि ही निवडणूक त्या बीडमधून थेट धनंजय मुंडेंच्या विरोधात लढणार आहेत. त्यामुळे बीडमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय धुळवड रंगणार आहे. 100% नौरा वर्सेस बायको तो होने ही वाला है, क्योंकि धनंजय मुंडे को उसकी जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है. वो मंत्री है तो होगा अपने घर का, और ये बात भी वो भूल रहा है कि उसको बनाने वाली मैं हूँ. मैंने 18-18 घंटे, मेरे बच्चों ने, मेरे पंडितों ने 18-18 घंटा तपस्या करके इसी घर में, जिस घर में आप मेरी बाइट ले रहे हैं, इसी घर में 18-18 घंटे उसके लिए तपस्या की गई. और आज उसने जो दुरुपयोग करा है अपनी सत्ता का, मेरे को नहीं तो राजकारण में आने का कोई शौक नहीं था. आज शौक होता तो मैं 98 में खुद बीजेपी में थी, मैं इंदौर में, पर मैंने अपने पति के लिए, उन्होंने बोला मुझे पसंद नहीं है तो मैंने छोड़ा. और आज धनंजय मुंडे ने मंत्री बन के जो अपनी माज मस्ती दिखाई है, और माज मस्ती दिखाने के बावजूद भी मैं जेल से आने के बाद भी चुप बैठी रही, पर आज जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो भी मैं बाद में मुंह खोलूंगी अपना सारा सब कुछ. पर अभी मेरे को सिर्फ कोल्हापुर की निवडणूक पर ही ध्यान देना, क्योंकि 2024 में एकदम पावरफुल बन के उसको उसकी जगह दिखानी है. करुणा शर्मा कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लढवणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी शिवशक्ती या नवीन पक्षाची घोषणा केली होती. करुणा शर्मा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्यामुळे ही निवडणूक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. उत्तर कोल्हापूरची पोटनिवडणूक लढवते आहे. महाराष्ट्रातील महिलांच्या न्याय हक्कासाठी मी हे पाऊल उचलत आहे. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.